नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नवी मुंबई कोस्टल रोड के बारे में लेटेस्ट प्रोग्रेस देखा था। इस कोस्टल रोड के जरिए आप नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे पनवेल या एयरपोर्ट के ईस्टर्न डायरेक्शन से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगे और उसी के बारे में विस्तृत से इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके इस छोटे से स्टेप से हमें काफी हेल्प होती है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल में प्रवेश के लिए एयरपोर्ट के वेस्टर्न डायरेक्शन यानी तरघर रेलवे स्टेशन से यानी उलवे नोड से मुख्य प्रवेश द्वार है, जो आगे नवी मुंबई कोस्टल रोड और अटल सेतु से जुड़ जाता है। इसी कोस्टल रोड और नवी मुंबई एयरपोर्ट कनेक्टर रोड का वीडियो आप यहां से देख सकते हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप एयरपोर्ट के ईस्टर्न डायरेक्शन यानी पनवेल साइड से आ रहे हैं तो आप इस एयरपोर्ट में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और उसके लिए कौन से नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, ये सब डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह है नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यह है इस एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल का एंट्री पॉइंट, जो है इस एयरपोर्ट के वेस्ट डायरेक्शन में। इस एयरपोर्ट के नॉर्थ ईस्ट साइड में काफी बड़े रोड का निर्माण हो रहा है। ये रास्ता पनवेल से शुरू होकर उलवे में आम्र मार्ग और नई मुंबई कोस्टल रोड से जुड़ जाता है, लेकिन साथ ही में पनवेल से इस एयरपोर्ट में जाने के लिए एक कनेक्टर रोड का निर्माण भी हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में 3 बड़े पुलों का और एक क्लोवरलीफ इंटरचेंज का निर्माण शामिल है। कैसा होगा ये प्रोजेक्ट, जानते हैं इस एनिमेशन से। पनवेल से ये प्रोजेक्ट शुरू होकर आगे इस नेशनल हाईवे 548 से आगे बढ़ता है। यहाँ इस नेशनल हाईवे 548 के ऊपर एक इंटरचेंज का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़े तो यहाँ से लेफ्ट वाला रास्ता जाता है एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की तरफ और राइट वाला रास्ता जाता है खांडेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ और सीधा रास्ता जाता है एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल की तरफ। आगे ये रास्ता एयरपोर्ट के नॉर्थ साइड रोड से कनेक्ट होता है, जो आगे पैसेंजर टर्मिनल में जुड़ जाता है। यहाँ पर इस गाढ़ी नदी पर 2 पुलों का निर्माण हो रहा है। साथ ही में नई मुंबई मेट्रो लाइन 1 को भी खांडेश्वर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक एक्सटेंड करने का प्लान है, लेकिन इसके बारे में अभी तक डिटेल जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। अब इसी प्रोजेक्ट का जुलाई 2024 का प्रोग्रेस देखते हैं। यह है नेशनल हाईवे 48 और यहां पर बन रहा है पनवेल महानगर पालिका का हेडक्वार्टर। यहां से देखें तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। यहां पर पुराने टार रोड की जगह कंक्रीट रोड का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ने पर यहां से इस प्रोजेक्ट के इंटरचेंज की शुरुआत होती है, जो इंटरचेंज नेशनल हाईवे 548 के ऊपर से आगे बढ़ता है। पूरा बनने पर यह इंटरचेंज कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी बस इस इंटरचेंज के पाइलिंग और पियर्स का काम चल रहा है। वही इस इंटरचेंज के ब्रिज के गर्डर्स कास्टिंग का काम आप यहां पर देख सकते हैं। यहां से सीधा रास्ता जाता है एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल की तरफ, वही लेफ्ट वाला रास्ता जाता है एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की तरफ, राइट साइड वाला रास्ता जाता है खांडेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ। आगे यहां पर ये रास्ता सीधा बढ़ता है एयरपोर्ट के नॉर्दर्न रोड की तरफ। यहां पर इस गाड़ी नदी पर एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के पियर्स का काम आप देख सकते हैं। ये रोड आगे जाकर एयरपोर्ट के वेस्ट में पैसेंजर टर्मिनल से कनेक्ट होता है। अभी वापस थोड़ा पीछे आते हैं। यहां से सीधा रास्ता जाता है एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल की तरफ, वही लेफ्ट वाला रास्ता जाता है एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की तरफ।
यहाँ पर इस गाढ़ी नदी पर एक और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ से होगा इस एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का एंट्री पॉइंट। यह रास्ता जाता है आगे कार्गो टर्मिनल की तरफ, वही राइट साइड वाला रास्ता जाता है खांदेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ। अभी इस प्रोजेक्ट का पाइलिंग और पियर्स कास्टिंग का काम चल रहा है। पनवेल साइड से एयरपोर्ट में जाने के लिए यह रास्ता काफी महत्वपूर्ण है। अगले साल यानी मार्च 2025 तक इस एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 ऑपरेशनल होगा और ये रास्ता अगले साल 2025 के आखिर तक पूरा हो जाना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें। पनवेल से नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए नए प्रोजेक्ट का यह था जुलाई 2024 का प्रोग्रेस। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।